सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और शुड आई स्पीक इन पंजाबी? जो पंजाबी वाले मैंने गाला कटन मैंने भी ऐसा फसाया भाई ने। बॉम्बे जाके हिंदी बोलने लग गया, सो मैं मिक्स कर देना सारी। एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, सो आज के इश्का, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। नाउ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर सी पहला, तो हूँ कैमरे के पिछे भी आ गए। तो अमन बहुत प्यारा वीरा मेरा, गुरप्रीत जी, सो द होल टीम इज वेरी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, स्वीट टीम। तो बहुत वधिया, आई थिंक सारे ने प्रोमोस देखे, फिल्म हूँ तो पंजाब अपनी फिल्म भी देख ली, बहुत वधिया पॉजिटिव रिव्यूज़ ने। सो आई विश दैम गुड लक। इदा दिल्मा बननिया चाहदियाँ ने, क्योंकि जो एक ट्रेंड पंजाबी दे विच हुण सारे एक भेड़ चाल वांगू उहदे पिछे चल पैंदे ने, पर बहुत घट डेयरिंग बंदे हुंदे आ जिहड़े मतलब अपने आप दे उत्ते विश्वास रखदे आ, लीक तो हट के कुछ करदे आ। सो इश्का एक उदां दा अटैम्प्ट है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस कि तुसीं वध तों वध सपोर्ट करो, ते नव नूं जिन्हां ने स्टैप लिया, ते अमन पूरी टीम नूं, गुरप्रीत जी नूं, सारे ने बहुत फैंटास्टिक काम कीता, कैमरे दे अगे भी कैमरे दे पिछे भी सारे एक्टर्स ने। सो आई विश देम गुड लक। सारे जाने जी ट्रालियां भर भर, ट्रक भर भर जाओ फिल्म देखण। सो साड़ी पंजाबी फिल्म है, मेक इट अ हिट, ते साड़ा पंजाबी सिनेमा ऑलरेडी इट्स रोलिंग। सो होर वधे फुले जी, सो वी शुड सपोर्ट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। थैंक यू। Well, I'm here to see it today, and I'm really excited because I'm sure the kind of films aajkal jehdiyan ban rahiyan ne Punjabi diyan filmaan, unhan da jehda ek standard hai ga oh bahut upar bahut vadh chukya hai. So jad assi vekhde haan ki aivein lagda hai ki Punjabi film dekh rahe hain, bahut fark aa gaya. So I would love to watch it, and I'm sure I'm going to enjoy it, and people are going to enjoy it. मेरे लिए तो एक्चुअली दिस इज अ न्यू मीडियम पंजाबी, एंड आई हैव टू थैंक नव फॉर गेटिंग मी इनटू दिस मीडियम। आई एम डूइंग अ फिल्म विद हिम कॉल्ड किटी पार्टी, बट लाइक जसविंदर जी सेड कि वट एवर आई हैव सीन इट्स नो लेस देन अ हिंदी फिल्म, एंड जिहड़ा काम हो रहा है सारे ने, पर इश्का मैं देखना रहा जिन्ना भी मैं क्लिप जिन्हें भी देखे हैव अ लॉट ऑफ होप्स फॉर सारे ने कहा जरूर देखियो, जरूर इस फिल्म को अप्रिशिएट करो, और जो ऑडियंस में जाएगी तो ऐसी मेहनत तो फिर बिल्कुल किसी का नहीं। Is also the part of Ishka, and he is a very very well name in Punjabi industry. इन्होंने सबको बहुत डरा के रखा हुआ है एज अ विलन, तो इसलिए मैं भी थोड़ा दूर होके खड़ी हो रही हूँ। हुण तुसी बोलो। फिल्म साड़ी आ रही जी इश्का, पंजाब च रिलीज़ हो चुकी है, ते रिस्पॉन्स सानूं बहुत वधिया मिले। सब तो बड़ी गल इश्का दी है कि इश्का का म्यूजिक बहुत ही वधिया म्यूजिक है, थोड़ा डिफरेंट म्यूजिक है आम पंजाबी फिल्मों नालों, वेरी मेलोडियस, तुसी म्यूजिक इंजॉय किया, फिल्म भी इंजॉय कर रहे हो। अच्छ असी इतने बॉम्बे के शो रखे जो बॉम्बे के पंजाबी ने उन्होंने दिखाने वास्ते, तो उन्होंने रिस्पॉन्स लैन वास्ते, तो सारे बहुत एक्साइटेड ने। इश्का तो इश्का, एंड इट्स अ गुड फिल्म। मैं चाहना कि तुम सारे बद चढ़ के पहुँचो, फिल्म देखो, एप्रीशिएट करो, क्योंकि फिल्म वाकई एप्रीशिएट करने वाली है, लीक तो हटके है, बहुत मेहनत करी है सारे ने असी, बस यही अपील है कि प्लीज़ यह फिल्मों भी सपोर्ट करो, कॉमेडी भी देखो, ये भी देखो। थैंक यू। मैं बड़ा भी सारे जाने तुसी जी इश्का देखो, आई एम श्योर के थोनू इश्क हो जाएगा। हां क्या बात है। स्क्रीनिंग है बॉम्बे में, आई लव इश्का। अभी पंजाब में 4 जनवरी को रिलीज़ हुई थी, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम किया गया है, बिकॉज इट इज़ टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट, बिल्कुल अलग हट के हमने सब्जेक्ट लिया था, एंड इट हैज़ कम आउट वेरी वेल, बिकॉज आपने देखा होगा बॉलीवुड फिल्म कक किरण, सो वैसा ही डर हमारे हीरो नव ने हमारी हीरोइन को दिया, एंड
Aman is playing the main lead and he has done wonders because Aman was is Mr. Punjab 2015 and uske baad he has done lots of work on PTC channel as an anchor, as an actor, but as a hero it was his first film, so he has done wonders because iska action bahut tha, बहुत ज़्यादा क्रेविंग रही होगी खाने के लिए बिकॉज बेयर बॉडी था. सो काफ़ी सारे सीन्स ऐसे हैं फिल्म में जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. इन्होंने बॉडी की गल की थी तो मैं दसना चाहूँगा कि लाइक 7 to 8 घंटे ट्रेनिंग सी डेली. सो मॉर्निंग जिम और दोपहर में हम लोग फिर एक्शन क्लास, देन इवनिंग में फिर जिम और उसके बाद डाइट ऐसे होता है कि उबला खाना हर टाइम, सब्जियां खाओ, पत्ते खाओ, तब तक पता ही. सो वेल इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि आई एम बिग टाइम फूडी. सो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा कि उस रोल में, उस करेक्टर में घुस जाना पूरा. और वर्कशॉप बाकायदा हमारी होती थी 3 से 4 घंटे की डेली इस करेक्टर के लिए क्योंकि इतने सारे रंग है इसमें. आप सेम टाइम में रोमांस भी कर रहे हो, प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और आप इंटेलिजेंस भी दिखा रहे हो अपनी. सो इश्का में आपको सभी रंग देखने को मिलेंगे और बेस्ट पार्ट इश्का का ये है कि आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कब फिल्म इंटरवल आया, कब इंटरवल के बाद एंडिंग होगी, क्योंकि इतनी क्रिस्प है, इतनी फास्ट फिल्म है और आपका मन नहीं करेगा इधर उधर देखने का. सो आई बेट कि आप अगर देखोगे, आप जाओगे तो यू विल डेफिनेटली लव. एंड अमन ने फूडी की बात की तो मैं बताना चाहूँगी ये इतना बड़ा फूडी है कि इसने 3 stories पब कम रेस्टोरेंट खोला है जलंधर में, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स. मतलब इनका खाना ही ड्रीम है. सो सोचो कितनी मेहनत की होगी इश्का के लिए और वो स्पेशली वाकई बड़ी क्रेविंग्स पूरी करने के लिए. बस यही बोलना चाहूँगा मैं कि फिल्म देखो. फिल्म अपने आप में एक अलग चीज़ है. कल तो पंजाबी फिल्में जैसे चल रही हैं उससे बहुत हटके है. सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग बोलते हैं कि फिल्म हटके है लेकिन ये वाकई हटके है. इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ है फिल्म. एवरीथिंग इज देयर, कंप्लीट एंटरटेनमेंट. और एक चीज़ और भी भाई, जो बॉम्बे में अगर पंजाबी ऑडियंस फिल्म देखेगी तो 2 इंसानों की तरफ से, गुरप्रीत जी और बली जी. तो इन्हें तो बहुत थैंक्स कि इन्होंने बॉम्बे के लोगों को फिल्म देखने का मौका देता. थैंक यू सो मच. विच जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ये वर्ल्ड वाइड हमने इस गाने को प्रमोट करना है. उसकी मैं 2 लाइन सुनाती हूँ. विच इज़ दिया बाजू का मैनू बंजर लग गई, ती कदे मैनू तरते ते कदे अंबर लग दी. कि I'm working on a project which is about the female feticide. And there are lots of ladies who are contributing to this song. I'm the main singer, and of course, this is composed by me. It's the music direction is by me, and I have this is going to be kind of a debut for me. And this is one song that comes to my mind for the New Year's. And Happy New Year, everyone! Enjoy 2019. God bless you. कहना चाहूँगी कि इश्का मूवी एक्चुअली नव बाजवा जी की मूवी एंड ही इज़ ऑलवेज माई फेवरेट एक्टर. सो मूवी बहुत अच्छी जाए, सुपर हिट हो, ये मेरी विशेज हैं. और जितनी भी पंजाबी मूवीज़ आजकल बन रही हैं वो सब हिट हो, क्योंकि उसके लिए सभी को, मतलब इतना लोग मूवीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान से ये दवा के मतलब मूवी सारी चलनी चाहिए. इश्का मूवी तो चलेगी, अच्छी चलेगी. अगर तो आपका गाना सुन रहे हैं तो नए साल के विशेष आप उस गाने से अगर सबको दें. जी बिल्कुल. तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कचरी कवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम भी मुंडिया, वे मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम भी मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम भी मुंडिया. जी मेरे सिस्टर ने, सो मैं उन्होंने हर मूवी बहुत इंजॉय करता हमेशा. परमात्मा उन्होंने एवं चढ़ती कला च रखे, माई बेस्ट विशेज. और नव भाजी लास्ट मूवी मैं देखी सी दीदी के नाल, सो हूँ बहुत अगे वह हमेशा. सो हूँ देखो डायरेक्ट भी की इन्होंने मूवी. आई होप
4 जनवरी में रिलीज़ हो चुकी, अज मैं देखने आया मूवी। सो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी इन्होंने। सो मेरे वालों सारी टीम में बहुत 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 मुबारक, परमात्मा करे ये मूवी सारे लिए बहुत बहुत नवा साल बहुत वजिए लैके आवे। थैंक यू।